अगर आपको टी गार्डन और हिल व्यू फेसिंग फ्लैट चाहिए तो ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। स्पेशियस रूम मिलेगा, ये आपका 1635 स्क्वायर फीट का फ्लैट में आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें टोटल 3 टॉयलेट है, 1 कॉमन टॉयलेट और 2 आपका अटैच बाथरूम के साथ। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है, आई एम फ्रॉम गेट माई घर। मैं आज आपको एक बढ़िया प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लाया हूँ जो एकदम मेन रोड पे है, नियर दार्जिलिंग मोड, दागापुर वाले रास्ते पे है ये। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम वैली और ये प्रोजेक्ट में आपका 3 BHK अवेलेबल है, काफ़ी बड़ा साइज में, जैसे लगभग 1550-1600 स्क्वायर फीट में। 25% सुपर बिल्डअप काटा हुआ है ये प्रोजेक्ट में, हाई राइज बिल्डिंग है। तो अगर आपको टी गार्डन और हिल व्यू फेसिंग फ्लैट चाहिए तो ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो बागडोगरा एयरपोर्ट है लगभग 7 किलोमीटर है और ये एकदम सिलीगुड़ी का बीच में आते हैं, मतलब आप यहाँ से दार्जिलिंग मोड़ लगभग आपका 700 मीटर जैसा है। 700 मीटर के बाद वहाँ से आप राइट जाएंगे तो आप एयरपोर्ट चला सकते हैं, लेफ्ट जाएंगे तो आप प्रॉपर टाउन में जा सकते हैं और सीधा चला जाएंगे वहीं से तो आप हिलकार्ट रोड होके आप सेवोक रोड या फिर वेनस मोड जा सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आपका एमिनिटीज भर के हैं, जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल वगैरह, जिम, इंडोर जिम, क्लब हाउस, बाकी जो मॉडर्न एमिनिटीज हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। इट्स अ रेडी टू मूव फ्लैट्स, यहाँ पे सारे जो फ्लैट है एकदम रेडी टू मूव है, रेडी टू मूव कंडीशन पे है। टाउन में होने से क्या है कि यहाँ पे आपका जो हॉस्पिटल्स वगैरह है बहुत नियरेस्ट में है, जैसे हॉस्पिटल का बात करूँ तो न्यूटिया जो नर्सिंग होम है सामने पे ही है। स्कूल कॉलेज जो है, आप जो ये दागापुर एरिया है ये मेनली फेमस है यहाँ पे एजुकेशनल हब के लिए, मतलब यहाँ पे आपका ज्ञानज्योति कॉलेज वगैरह है, DPS स्कूल, ये सारे जो प्रीमियम स्कूल्स कॉलेज हैं सारे ये लोकेशन पे अवेलेबल है। जैसे ये हो गया आपका फ्लैट का लॉबी एरिया, एक फ्लोर का। इसमें देखेंगे आपका 3 लिफ्ट है, यहाँ पे 2 है और वहाँ पे 1 है, बाकी 2 स्टेयरकेस है। ये 1 3 BHK है, इसका जो साइज है 1635 स्क्वायर फीट का है। ये हो गया आपका लिविंग कम डाइनिंग रूम, आप ये जो एरिया है एज अ डाइनिंग रूम या फिर एज अ लिविंग रूम यूज कर सकते हैं और ये जो एरिया है आप एज अ डाइनिंग रूम हिसाब से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका बैल्कनी रहेगा, बैल्कनी भी बहुत स्पेशियस है, यहाँ पे देखिए बैल्कनी का साइजेस। और ये जो है पूरा आपका टी गार्डन फेसिंग रहेगा, फुल टी गार्डन फेसिंग आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ग्रीनरी हमेशा मिलता रहेगा। और टी गार्डन है तो यहाँ पे फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन बनने का चांसेस बहुत ही कम है। ये आपका किचन हो गया, किचन में आप देखिएगा यहाँ पे टेबल टॉप में ग्रेनाइट दिया हुआ है और यहाँ पे एक सिंक है अलग सा, रेफ्रिजरेटर का जगह भी यहाँ पे दिया गया है और ये जो है आपका अलग सा वॉशिंग एरिया है। ये कॉमन टॉयलेट है, ये 1 बेडरूम रहेगा, बेडरूम का साइज भी काफी बड़ा है, यहाँ पे आप कवर स्पेस भी कर सकते हैं इस तरफ। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक खिड़की है और ये एरिया आपको हमेशा खाली मिलेगा, तो यहाँ पे अच्छा आपका सूरज का रोशनी अच्छा मिलेगा। और ये वेस्ट फेसिंग है तो वेस्ट साइड से क्या होगा कि शाम को जो धूप है वो आपके पास आता रहेगा, तो आपका जो ये रूम है या फिर ये जो फ्लैट है फ्लैट का भी अंधेरा नहीं रहेगा। ये और एक बेडरूम है, इसमें आपका अटैच बाथरूम रहेगा इस तरफ, काफ़ी स्पेशियस बाथरूम है और बाथरूम होने के बावजूद भी कितना सारा जगह आपका ये रूम में रहेगा। और यहाँ पे आपका देखिए 2 खिड़की है तो इसमें आपको अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन भी मिलेगा। यह है तीसरा बेडरूम, इसमें भी आपको एटैच बाथरूम मिल जाएगा। और ये है आपका जो बेडरूम का एक्चुअल साइज है, काफी बड़ा साइज मिलेगा आपका और साथ में आपको ये आपका बैल्कनी एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये जो बैल्कनी है आपका टी गार्डन फेस बैल्कनी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ जानना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं।